हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग अपना वही साइंस की सीरीज में अगला पार्ट देखते हैं। आज केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है और ये आज ख़त्म हो जाएगा, छोटा सा ही पार्ट है। इसके बाद हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन रखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ अगला ये ज़रूर देखिएगा। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी ईयर में या कहीं ना कहीं कांस्टेबल में पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, पहला, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया आप सभी लोग जानते होंगे, खेतों में डाली जाती है खाद के रूप में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा के कारण कास्टिक सोडा को उबाल कर तैयार किया जाता है, सॉरी, वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर तैयार किया जाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ये रिएक्शन वगैरह पूछ लेते हैं, मतलब किसके साथ किसको उबाल कर क्या बनाया जाता है, इसीलिए कुछ क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी स्टोन या जिसको आप पथरी कहते हैं में कैल्शियम ऑक्सीलेट है ना, कैल्शियम ऑक्सीलेट, इसका सूत्र होता है Ca(C2O4) पाया जाता है, यानी जो आप पथरी जिसको कहते हैं वो वास्तव में कैल्शियम ऑक्सीलेट होती है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है Ca(C2O4)। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, देखते हैं, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कोई धब्बा या कपड़े पर कुछ भी पड़ जाता है तो नींबू वगैरह से साफ़ किया जाता है, तो नींबू वो एसिड ही तो होता है, उसका रस है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ऑक्जैलेट ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का सर्वाधिक विनाशक, तो आप लोग जानते होंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज़्यादा ओजोन परत को प्रभावित कर रहा है, ओजोन परत जो कि हमारी पराबैंगनी किरणों को, जैसे अगला क्वेश्चन है वही जो हम समझा रहे थे वही अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है ना, यही समझा रहे थे कि जो भी प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पहले ये ओजोन परतें ही वहाँ पर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और शुद्ध प्रकाश पृथ्वी पर आने देती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें दूध को, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, वह प्रक्रिया जिसमें दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर शीघ्रता से उसे ठंडा किया जाता है, यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है ना, आपको पता होगा दूध खराब ना हो या फटे ना, इसीलिए ये सब क्रिया की जाती है, पाश्चुरीकरण की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन मुख्य प्रदूषण के रूप में होता है, ये क्वेश्चन कई बार हमने क्लास में भी पूछा है और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और नशीला जो तत्व होता है वो निकोटीन इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी है ना, भोपाल गैस त्रासदी में हानिकारक गैस है ना, वो आप जानते होंगे भोपाल गैस त्रासदी में एक हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था, तो ये कभी कभी पेपर में आ जाता है और कभी कभी तो सीधे दे दिया मिथाइल आइसोसाइनाइड, या कभी कभी इसको मिक लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिक है ना, MIC, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड को मिक गैस भी कहा जाता है, MIC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग जानते होंगे ओजोन का रासायनिक सूत्र O3, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु तो एथिलीन गैस प्रयुक्त मानी जाती है ना, एथिलीन गैस है ना, जबकि आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है, यानी कहने का मतलब पहले एसिटिलीन गैस बहुत अधिक प्रयोग की जाती थी, तो ये संस्था है हमारी फूड एडल्ट्रेशन है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म होता है,
लेकिन ये हमने यहाँ पर पूरा विस्तृत दिखाया है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके तहत एसिटिलीन गैस को पकाने प्रतिबंधित किया गया है ना, इसके यूज को, क्योंकि ये फलों के जरिए हमारे शरीर में जाती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट छोड़ती है, नुकसानदायक है, इसीलिए अब एथिलीन गैस को प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, है ना, और ये आप जानते ही होंगे, मिथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए अगला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। गोताखोरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन एवं हीलियम लगभग 1:4 के मिश्रण के रूप में दिया जाता है, क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेय है ना, क्योंकि यह रक्त में बहुत कम विलेय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका अनुपात भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस मतलब मिश्रण भी पूछा जा सकता है, किन दो गैसों का मिश्रण, है ना, तो दोनों चीज़ें हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करने के फलस्वरूप नाइट्रिक अम्ल बनाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, अम्लीय वर्षा इन्हीं के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये पूछा गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है ना, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में तथा विरंजक के रूप में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, मोमबत्ती या पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है ना, मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च दाब वाले निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणित कर देता है, इस क्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, परिभाषा है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिएक्शन के तौर पर पूछा जा सकता है कि किसकी क्रिया किससे कराने पर वनस्पति घी बनता है, वनस्पति घी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है, जिंक फास्फेट, है ना, चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फेट भी। ये देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस, है ना, तो क्लोरोफिक्रीन है ना, क्लोरोफिक्रीन है, इसका फार्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला होता है CCl3NO2, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण पोखरण में किया गया, है ना, भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण पोखरण में किया गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह से दोस्तों ये आज केमिस्ट्री के सारे लेक्चर पूरे हुए, और जो क्वेश्चन हमें लगते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, उनका एक वीडियो और हम बना देंगे जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के क्वेश्चन होंगे, वो आप ज़रूर रट लीजिएगा। वैसे भी इनमें ऐसे क्वेश्चन हमने दिए हैं जो कहीं ना कहीं GK या GS से संबंधित बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपको आने ही चाहिए, है ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इनके अतिरिक्त जो अगला वीडियो देंगे वो भी देख लीजिएगा, और उसके बाद हम बायो की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो बायो की सीरीज़ में आप जानते हैं बायो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसमें 3 या फिर हो सकता है 3 से ज़्यादा वीडियो बनाना पड़े, तो उसमें आप एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से तैयार कर लेंगे, हम सारे क्वेश्चन बस इम्पॉर्टेंट ही देंगे। इस तरह से आपकी साइंस एकदम तैयार हो जाएगी, और मैथ का वीडियो शाम को अपलोड कर ही रहे हैं, आप थोड़ा सा तेज़ी करेंगे क्योंकि डेट लगभग निर्धारित हो गई है, तो थोड़ा कोर्स भी कवर कराना है, इसलिए आप लोग भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए और हम भी मेहनत करते हैं, इस तरह से दोनों लोग मिलकर अच्छे से पेपर को आसान बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।